एवरीवन, और मैं निशी खान आपके सामने, जैसा कि कल वादा किया था कि हम दोबारा आज आपके सामने आएंगे, और हियर यू गो, मैं आपके सामने हूँ। और आने की वजह ऑफ कोर्स आपको पता होगा कि क्रिकेट की दुनिया में एक हलचल है, जबरदस्त हलचल है। T20 वर्ल्ड कप अपने सनसनीखेज मराहिल में दाखिल हो चुका है, और आज एक फर्स्ट सेमीफाइनल हुआ और कल सेकंड सेमीफाइनल होने जा रहा है। आज का मैच आपने तो देख ही होगा, न्यूजीलैंड वन द मैच, बहुत ज़बरदस्त खेला उन्होंने, बहुत अच्छा जीते। और कल का जो मैच है, आज हम सब इकट्ठे हुए हैं सिर्फ और सिर्फ कल के मैच की वजह से। कल हमारे पाकिस्तान का मैच है, द मैच बिटवीन पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मैच है, और देखेंगे कौन जीता है। बात करते हैं, यहाँ हमारे पास लोग इकट्ठे हुए हैं, उनसे बात करते हैं कि कल मैच कौन जीतने वाला है। मेरे साथ रहिए। लेके जाती हूँ आगे और अपने बाकी गेस्ट से मिलवाती हूँ, मुलाकात करवाती हूँ। और ये देखें, इतना खूबसूरत, हर चीज़ बहुत खूबसूरत है। और यहाँ पर हमारे साथ सब लोग बैठे हुए, जैसे आप देख रहे हैं। सो काफ़ी लोग हमें ज्वाइन कर चुके हैं फेसबुक पे भी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।
और यहाँ पे सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन करवा दूँ, सामने आपको डॉक्टर अदनान नज़र आ रहे हैं। किसी तारुफ की मोहताज नहीं आप, मेरे ख्याल से मैं ये थोड़ा सा उठा के बात करूँ ताकि किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। क्रिकेट के गुरु कह लें इनको, कुछ कह लें, पता नहीं शायद डॉक्टरी से ज़्यादा क्रिकेट पढ़ी थी इन्होंने, क्या किया था आई हैव नो आइडिया। सो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अदनान। सभी पाकिस्तान की जीत के लिए खुश हैं, आज बड़ा मजमा यहाँ पर इकट्ठा है और अभी आपको बताएंगे सभी गेस्ट से तारुफ के बाद कि आज के मैच में इंग्लैंड ने क्या खोया और क्या पाया। अच्छा, ये साथ हमारे नबील हैं, नबील खान, इनसे कल मुलाकात हो चुकी है आपकी हमारे प्लेटफॉर्म पे, तो नबील क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम बैक हियर अगेन। अच्छी डिस्कशन होगी, बहुत अच्छी फीलिंग आई है, पूरा पाकिस्तान हम पंप है, बहुत जमाने बाद सारे एक बहन जी से इकट्ठे हैं। लुकिंग फॉरवर्ड टू टुमॉरोज गेम एंड होपफुली विन और लूज हम टीम के साथ। अपनी शर्ट भी दिखा दीजिए। और ये देखें, एंथुसिएज्म से शर्ट पहनी भी बहुत एंथुसिएज्म से पहनी और ये भी दिखाऊंगा, बाकी दिखाया तो बस। अच्छा, ये हमारे साथ अब अली हैं इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? अपना इंट्रोडक्शन करवा दें जो देख रहे हैं आपको। थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे आप? प्राइम मोटर्स के नाम से डीलरशिप है। परफेक्ट, ठीक है। एक जबरदस्त। तो ये हमारे साथ यहाँ पर हैं फरहान। अस्सलाम वालेकुम फरहान, कैसे हैं जी? ठीक ठाक। क्या कहते हैं आप, हमें बताइएगा। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। अच्छा, साथ हमारे और यहाँ पर हैं ज़िशान जी। असल का ज़िशान, क्या हाल चाल है? तो बताइए अपने बारे में। आप, अच्छा मैं समझिए आप कह रहे हैं कि क्या आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, राइट? अच्छा जी, तो ये साथ हमारे परफेक्ट। क्रिकेट के वक्त तो मैं समझती हूँ कि हम सारे सब कुछ छोड़ देते हैं क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आती क्रिकेट के वक्त, तो दिल चाहता है कि बस एक एक बॉल देखें इंसान, सब चीज़ें फॉलो करें। अच्छा, लेट्स कम टू द टुडेज मैच फर्स्ट ऑफ ऑल। सो आज का जो मैच हुआ, पहले तो आप दोनों से मैं बात करती हूँ, एंगल में ले आऊँ दोनों को। अच्छा, आज का जो मैच था, कल मैंने क्या कहा था आप लोगों को? कुछ नहीं 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 नहीं, असल बात देखें, हमारे पास रिकॉर्डिंग है, हम ऑन रिकॉर्ड बात करते हैं, हम वैसे बात नहीं करते। न्यूजीलैंड जी जी, आप दोनों ने इंग्लैंड को प्रेडिक्ट किया था क्रिकेट। एक सेकेंड, नहीं आप ठीक बोले, 55-45 से मैंने कहा था कि न्यूजीलैंड विल बी प्रूविंग द डार्क हॉर्स, राइट? इस टूर्नामेंट की एक ही टीम है जो डार्क हॉर्स होगी और वो होगी न्यूजीलैंड। और मैंने ये भी कहा था कि न्यूजीलैंड आज का मैच जीत गई तो उसके बाद मैं बाकी बातें भी नहीं करना चाहता क्योंकि हमारा मोरल जो है गेस्ट का डाउन हो जाएगा। न्यूजीलैंड अगर आज का मैच जीत गई, नहीं आगे नहीं कुछ बोलना क्योंकि मुझे समझ आ गई आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो बस 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 जी जी बिल्कुल, कोई बात नहीं, पाकिस्तान जो है ना या तो 50 पे ढेर हो जाते हैं या 250 पे तक बना लेते हैं, वो कोई मसला नहीं है। सो बात स्टार्ट करने से पहले ये बता दें सभी व्यूज को और हमारे जो गेस्ट हैं हमारे सारे, उनसे भी हम डिस्कस करेंगे अभी जल्दी कि अगर बहुत से लोग जो है शायद ये नहीं जानते कि न्यूजीलैंड की टीम जो है इस वक्त अपनी ज़िंदगी की बेहतरीन क्रिकेट खेल रही है। दो टीमें ऐसी थी कि जो बदकिस्मत टीमों में जिनका शुमार होता था, एक न्यूजीलैंड की टीम थी और एक साउथ अफ्रीका की, जो नॉकआउट स्टेजेस में बाहर निकल गई थी। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन जिस तरह फुटबॉल के अंदर एक कर्स आई हुई थी इंग्लैंड के ऊपर, पुर्तगाल के ऊपर, मैक्सिको के ऊपर वर्ल्ड कप के अंदर और स्पेन के ऊपर, तो स्पेन उस कर्स में से बाहर निकला 2010 में और वो अचानक नॉकआउट से बाहर हो गया।
ऐसे ही क्रिकेट के अंदर देखिए साउथ अफ्रीका के ऊपर अभी तक वो कर्ज मौजूद है, लेकिन न्यूजीलैंड ने उस कर्ज को कितने खूबसूरत तरीके से ब्रेक किया है कि पिछले तीन जो टीम आज तक किसी फाइनल के लिए क्वालीफाई नहीं कर सकी, वो क्रिकेट की टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालीफाई किया, ODI के फाइनल के लिए क्वालीफाई किया 2015 में, एंड नाउ 2020 के चैंपियनशिप का फाइनल के लिए क्वालीफाई किया, जो पिछले 40 साल में उनके रिचर्ड हेडली, मार्टिन क्रो, जेफ क्रो, मार्टिन स्टीडन, स्टीफन फ्लेमिंग, कैप्टन कून, बड़े बड़े नाम नहीं कर सके थे और वो न्यूजीलैंड ने वो कर दिखाया, टेस्ट तीनों चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे। अब बहुत नकल द ग्रेट नवीन ने बात की, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इंडियन क्रिकेट के बारे में कहते हैं कि सौरभ गांगुली ने एक जीत की रूह फूंकी थी और उसका लक्ष्मण वो जीत से इंतराज नहीं हो सके, लेकिन उनकी जो अगली ब्रीड थी महेंद्र सिंह धोनी और जिसमें आगे आने वाले विराट कोहली थे, उनके अंदर वो कन्वर्जन रेट जो है वो आ गया सक्सेस का। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो ट्रेडिशनल फाइनल हुआ था 2019 का, कीवीज फैंस बड़े मायूस थे कि मैच टाई होने के बावजूद न्यूजीलैंड को शिकस्त होगी, तो शायद आप जानना चाहते हो कि आज हिसाब किताब बराबर होने का दिन था और आज न्यूजीलैंड की टीम ने क्या मारका अंजाम दिया। अगर मैं बाउंड्रीज की बात करूँ तो यस, न्यूजीलैंड हैज़ वन द वर्ल्ड कप 2019 एज वेल एज दिस वर्ल्ड कप, जस्ट जो कि 19 बाउंड्रीज आज न्यूजीलैंड ने आज लगाई हैं और इंग्लैंड को एक बाउंड्री से बीट किया है, एंड सेम इन दैट वर्ल्ड कप दे वर बीटन बाय द नंबर ऑफ बाउंड्रीज। और अगर आज बाउंड्रीज की बात होती तो आज न्यूजीलैंड दोबारा जीत जाता, 19 बाउंड्रीज लगाई उन्होंने, 18 बाउंड्रीज के ऊपर वो भी जीत गए। अच्छा, बाउंड्रीज की आपने बात की है, मैं उसमें बात करूंगी कि क्या न्यूजीलैंड आज इनफ लकी नहीं रही कि उनकी बाउंड्रीज, दो तीन बाउंड्रीज जो हैं वो थर्ड एम्पायर ने उनकी डिक्लेयर की, क्या वो आप क्या समझते हैं कि वो लकी नहीं थी? ये तो मैं कहूंगा कि फॉर्चून फेवर कर रही है, मेरे हिसाब से मैम वेरी बिग वन लीडरशिप एनीवे एनी टीम के ग्रैंड डिपार्टमेंट, कैप्टन कूल कॉल जिस तरह किम विलियम्स लेके चले, मैं सारा क्रेडिट उनको बहुत ज़्यादा दूंगा कि जिस तरीके से उन्होंने टीम को काम किया। और देखें, ये बड़ा गेम है, क्रिकेट गेम है, एम्पायरिंग डिसीजंस कभी आपके फेवर में होते नहीं होते, लेकिन वो कहते हैं ना फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, तो मैं तो काम कहूँगा अगर ऑल क्रेडिट गोज़ टू न्यूज़ीलैंड। अच्छा डॉक्टर, मैं थोड़ा सा, मेरा एक डिफरेंस है, मैं कैरल जैनो के कहूँगा न्यूजीलैंड ने जो परफॉर्म किया भी था लेकिन एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस उसने आज दिए थे, लेकिन जो उसकी एक परफॉर्मेंस डोमिनेंट रही थी या थोड़ी सी डोमिनेंट थी, उसकी मेन वजह ये लग रही थी मुझे कि उनकी ट्रोलिंग ही बहुत हुई थी सोशल मीडिया पर, वो एक इम्पैक्ट है, यू हैव टू टेक दैट इम्पैक्ट इन रिगार्ड में कि जो परफॉर्मेंस आपकी आती है वो जब तक आपको पाकिस्तान से जो उन्होंने किया एक सीरियस कैंसिल भी आई, तो वो एक ट्रोलिंग चल रही है फॉर मंथ्स ना, तो वो चीज़ भी एक इम्पैक्ट होता है जिसकी वजह से परफॉर्मेंस आती है। आस्ते आस्ते वो उस ट्रामा से निकल रहे हैं, वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और जैसे आपने एक ब्लैक हॉल्स की एग्जाम्पल दिया था, आई स्टिल would like to say that yes, New Zealand is a great team, or we can face our match if we are able to go through tomorrow. ये बिल्कुल, और ट्रॉलिंग की अपने बात की तो मुझे भी याद आ गया कि बड़ी दिलचस्प खबरें पढ़ने में आ रही थी, मैंने अभी हाल ही में नज़र पड़ी तो लिखा आया कि सुना है कि ऑस्ट्रेलिया ने एक ज़माने में हमने कैंगरू मांगे थे, उन्होंने कैंगरू मांगे थे तो कैंगरू देने से इनकार कर दिया। बड़ी खूबसूरत बात हो रही थी, कह रहे थे कि सारी टीमें पाकिस्तान अपना हिसाब बराबर कर सारी टीम इसको गया। अच्छा, जो हिसाब बराबर की बात आई जिस तरह उन्होंने बताया, तो एक बड़ी दिलचस्प बात है कि न्यूजीलैंड की टीम अब जो टॉप रैंक टीम्स हैं टेस्ट क्रिकेट की, ODI की, T20 में सिर्फ दो ही टीमें हैं, अब सिर्फ एक ही टीम बाकी है कि साउथ अफ्रीका की टीम जो अभी तक क्वालिफाई नहीं कर सकी सेमी फाइनल के लिए, बड़ा मैच नहीं खेल सकी अभी इस फाइनल के लिए, फाइनल की दौड़ के। न्यूजीलैंड ने एक बड़ा इतफाक़ कह लें इसको, उसने इतफाक़ जब 2015 का फाइनल खेला वर्ल्ड कप का मेलबर्न के मैदान पर, तो वो न्यूजीलैंड बिकेम द सेवंथ टीम इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट टू अचीव दिस फीट टू प्ले द फाइनल एनीवेयर, आई मीन बट दैट वाज प्लेड इन MCG, और बिल्कुल एक इतफाक है, आप लोग हैरान हुए बगैर नहीं रहेंगे कि टुडे जब न्यूजीलैंड ने T20 के वर्ल्ड कप फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है, तो अगेन दे आर द सेवंथ टीम फॉर द रिकॉर्ड सेवंथ टाइम
सेवंथ टीम ऑन द टॉप रैंक टीम्स जिन्होंने इस फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है. देयर स्कोर वाज सेम द सेवन व्हाटएवर दे वर प्लेइंग आइदर इट वाज द ओडीआई आइदर इट वाज द टी20. अच्छा सॉरी, ये तो लकी नंबर चल रहा है, लकी सेवन कह सकते हैं आप उनको. लेकिन बड़ा खुशहाल था और मुझे साउथ अफ्रीका पे थोड़ा अफसोस भी था कि इतनी अच्छी क्रिकेट खेलने के बाद भी इस दफा काफी अच्छा. ये वैसे बड़ा अनलकी है साउथ अफ्रीका के साथ जो स्विंग एजेस, तो वो जाके बिग गेम पे जाके आई डोंट नो व्हाट हैपेंस टू. अच्छा नवीन ने कहा इस दफा तो मेरे बड़े दिल पे मार गया. याद आ गया. अच्छा जब मैकमिलन बॉलिंग के लिए आए. अच्छा डॉक्टर दान, एक क्वेश्चन आया आपके लिए कि पहली बात तो ये कि आवाज़ क्लियर नहीं, अब आवाज़ क्लियर है जो भी बता दें मुझे, आवाज़ क्लियर होनी चाहिए. मैं अपना माइक भूल गई हूँ तो इसके लिए माजरत, लेकिन आवाज़ क्लियर होनी चाहिए, आवाज़ का बता दें मुझे. और दूसरा क्वेश्चन आपके लिए आया कि मोहतरम, सुना है आज मोहम्मद रिजवान और शोएब मलिक नहीं खेल रहे हैं, क्या ये वाकया सच है? ये मुझे तो सुना था कि उनको फ्लू हो गया जी, लेकिन मुझे ही नहीं पता चला. आपको बता दूं कि अभी से चार घंटे पहले जो फिजियो हैं, मुझे अभी अभी जो रिपोर्ट्स मिली हैं उसके मुताबिक डिक्लेयर किया गया है कि मोहम्मद रिजवान और शोएब मलिक जो हैं दोनों अपनी बेहतरीन कंडीशन में हैं एंड दे आर ओवरकम एंड दे आर प्लेइंग द टुमारोज गेम. यस दे वर हैविंग द फ्लू एंड द अपर आरटीआई, लेकिन दोनों जो हैं उसको काबू पाने में कामयाब हो चुके हैं और दोनों कल का मैच खेल रहे हैं. ये खबर जो है तकरीबन 28 घंटे पुरानी हो चुकी है. करंट कंडीशन बोथ ऑफ देम आर प्लेइंग एंड बोथ आर. मुझे बताएं कि जादू की गोली किसने दी थी उन्हें? अनफॉर्चुनेटली मैं तो दुबई में नहीं था, वरना मैं जरूर देता. आपको मालूम है कि जब दुबई में हमारी मुलाकात होती थी टीम से तो हम गोली तो नहीं देते थे, लेकिन जरूर एक बड़ा अच्छा हैप्पी इनकाउंटर होता था पाकिस्तान टीम से. मैं इमेजिन कर सकती हूँ ना कि जब इंसान को फ्लू होता है तो दो दिन तो आप ढेर ही हो जाते हो ना, मतलब आपने आपने जान ही नहीं होती कि आप एक बैट क्या उठाओ, आप तो अपने बिस्तर से नहीं उठ सकते हो. जब फ्लू होता है, फ्लू इज सो लाइक एज अ डॉक्टर हम लोग ये समझते हैं फ्लू जो है हमारे पास जो पेशेंट आता था. अच्छा. हम कहते थे यार फ्लू है, अच्छा यार ये तो कुछ भी नहीं है, यू नो. तो लेकिन आप जब खुद पेशेंट बनते हो और फ्लू होता है तब पता चलता है कि यू नो फ्लू इज समथिंग अ बिग थिंग. इट्स नॉट लाइक कि पेशेंट को फ्लू हो गया चलो ये गोली दे दी तो ये. सॉरी निशी खान ने आपको बताया कि ढेर हो जाते हैं यार, तो ढेर से एक्सप्लोर कर दिया भाई, हमें तो बातें चाहिए क्रिकेट में बातें निकालने के लिए. तो ढेर से याद आया कि बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है मेरे पास, तो बहुत एंजॉय करेंगे. इंग्लैंड की टीम आज सेमीफाइनल में, इंग्लैंड की टीम इससे पहले बड़ी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थी इन 2016 सेमीफाइनल सेमीफाइनल में कार्लोस बैट के उस मैच के अंदर इंग्लिश टीम को वुड यू बिलीव के आखिरी 6 ओवर में 70 रन कर था और 70 रन न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज की टीम ने बनाए और वो मैच ले गई और फाइनल में पहुंच गई. एंड यू वोंट बिलीव कि आज के मैच में जो आखिरी 6 ओवर थे उनमें उनको एग्जैक्टली 70 रन सीरीज नीडेड एंड दे मेड इट एंड दे हैव डन इट इन द नेशंस टाइम द लास्ट मैन स्टैंडिंग ऑफ द 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप. They have done in style. अच्छा, इससे भी आगे चलते हैं और आपको मैं हैरान कर दूंगा बता के एक और फन फैक्ट. आपके दूसरे कितने फन फैक्ट्स हो गए? मैंने काउंट नहीं किए. पांचवे पांचवा. अच्छा, एक और बड़ा जबरदस्त फन फैक्ट है इसी के ऊपर, नबील यू विल बी एंजॉयिंग द मोस्ट, कि जो 2016 का वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैच था उसमें वेस्ट इंडीज की टीम ने आखिरी 10 ओवर में 104 रन बनाए थे और आज आखिरी 10 ओवर में न्यूजीलैंड ने एग्जैक्ट 104 रन स्कोर किए हैं. जबरदस्त. नहीं आप मुझे बताएं कि क्या ये नहीं ये ना समझेंगे मैं कहने लगी क्या ये खुला तादाद नहीं था, वो नहीं है. लेकिन मैं कहने लगी थी कि क्या ये वाकई मज़े की बात नहीं है कि 2019 का जब फाइनल खेला गया इन्होंने अपना 2019 का बदला लिया कि नहीं लिया, ये मुझे बताइए. बदला कि वो लेने हैं, वो ले चुके हैं, वो इंग्लैंड से बदला लेना था. आप लगते हैं आप ज्यादा ड्यूटी कर लिए. कुछ कितने पेशेंस देखे हैं आप? 100 पेशेंस? मैं तुमने आप ऑस्ट्रेलिया से पूछ लिया, वो बड़ा खराब सवाल था. नहीं अभी हम लोगों ने स्विच नहीं किया पाकिस्तान. एक्सक्यूज मी, वी आर नॉट एट पाकिस्तान. पाकिस्तान जब होगा तो सिर्फ पाकिस्तान ही होगा और कुछ भी नहीं होगा. एनीवेज जी परफेक्ट एग्जैक्टली बिल्कुल सही आपने कहा है. लेकिन नहीं मुझे आपने बात भुला दी है. हाँ तो आप मुझे बताएं कि बदला हुआ आज पूरा कि नहीं हुआ, क्योंकि नेशन से जब हमने बात की थी आपको याद हो जिमी नीशम से जी,
तो इसका नाम पता नहीं मैं क्यों गलत बोलती हूँ, उसके सामने भी गलत बोल रही थी. एनीवेज सो इसका इंजीनियरशिप ने कोर क्या बात की थी, उसने कहा मैन वी डिडंट लूज वी डिडंट लॉस्ट वी डिडंट लॉस्ट द मैच. यस इंजीनियरशिप से बात हुई, कॉलिन मनरो से बात हुई, तो दोनों ने ये बात निशान वहां पर खड़े हुए थे. तो हमने कहा कि फर्स्ट आई टोल्ड देम दैट माय कंग्रेचुलेशंस टू द न्यूजीलैंड टीम दैट यू लॉस्ट द फाइनल. ही सेड हू टोल्ड यू दैट वी हैव लॉस्ट द फाइनल, वी डिडंट लूज, वी इक्वल द गेम. या और बेसिकली ही वाज राइट, ही वाज राइट. उनका क्या कसूर कि अगर उनकी बाउंड्रीज ज्यादा हो गई थी इंग्लैंड की, और जाहिर है इंग्लैंड में मैच प्ले हो रहा था तो इंग्लैंड को फेवर करना था उन्हें. एनीवेज स्पोर्ट्स फ्रेटरनिटी के जो सेंटीमेंट यही था कि न्यूजीलैंड डिजर्व मोर एज कंपेयर्ड टू इंग्लैंड, तो ये तो एक जनरल था. बिल्कुल जी. और इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि जहां पर ये फन फैक्ट चल रहे थे, वहां पर एक तब्दीली आई थी कि वो मैच कोलकाता में खेला जा रहा था और ये मैच अबू धाबी में खेला जा रहा था. लेकिन एक और तब्दीली जो है वो आई, जो आज से पहले किसी क्रिकेट के मैदान पे किसी शायकीन, किसी प्लेयर, किसी टीम, किसी ड्रेसिंग रूम ने ये विटनेस नहीं किया. कैन यू बिलीव 23 प्लस 14 प्लस 20 टोटल कितने हुए, 57 57 रन जो ये स्कोर हुए 17th और 19th ओवर ऑफ द T20. अप टू द डेट जब से T20 क्रिकेट शुरू हुई है, दिस इज एन रेकॉर्ड. न्यूजीलैंड इज राइट नाउ द टीम टू बीट इफ दे आर प्लेइंग लाइक दिस. इंशाल्लाह नॉट, इंशाल्लाह नॉट. आई मीन दिस इज बियॉन्ड इमेजिनेशन. सही. आई मीन दिस काइंड ऑफ स्कोरिंग, मैजिक स्कोरिंग, एंड दिस मेक्स देम इनविंसिबल. दैट व्हाई कीवीज आर वेरी स्ट्रॉन्गर इन दिस फॉर्मेट व्हेन वी गो टू द ओशियनिक ज़ोन. अच्छा ठीक है डॉक्टर दान, आपकी जो ट्रेन चलती रहेगी आपने चुप नहीं होना. इनका खाना ठंडा हो रहा है, आप लोग प्लीज सब लोग खाना खाएं, शुरू करें खाना और बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा. आपके लिए एक क्वेश्चन आया है कि सबके लिए बल्कि क्वेश्चन है ये बाकी जो दो हजरात हैं वो काफ़ी खामोश हैं, बल्कि मैं उन्हीं से पूछती हूँ क्या हसन अली की जगह बनती है. एक क्वेश्चन आया के पास चाहिए फास्ट बॉलर, तो डेफिनेटली आई थिंक हसन अली लीड है. वैसे ये है कि इस वर्ल्ड कप के अंदर वैसे तो स्पिनर ज़्यादा कामयाब है, लेकिन ये है कि आई थिंक वी शुड नीड हसन अली फॉर दिस मैच. अच्छा वैसे मेरा तो दिल चाहता है हसन अली चला ही जाए, चौके छक्के बहुत पड़ते हैं उससे. आई नो, लेकिन ये कि जब वो चलेगा तो आई थिंक वी नीड हिम. ऑस्ट्रेलिया के सामने अल्लाह करे चल जाए, मुसल्ले में बैठना पड़ेगा मुझे आज. जी आप बताएं. पर्सनली मैं भी यही चाहता हूं कि हसन चले जाए, पर हमारे पास दूसरा अल्टरनेटिव क्या है उसके, अगर कोई और अल्टरनेटिव है देन वी शुड ट्राई दैट. अगर फिलहाल के बाद अगर यही बेस्ट कॉम्बिनेशन हमारे पास है देन लेट इट गो, क्योंकि थिंग्स कम्स एज द एक्सपीरियंस विल. तो जैसे जैसे उसका एक्सपीरियंस आता जाएगा आई गेस विल हैव सम गुड कॉम्बिनेशन बॉलिंग लाइक मीडियम पेसर पेसर्स एंड स्पिनर्स एज़ वेल. परफेक्ट, चलें जबरदस्त. जिशान आप बताएं, सॉरी आप खाना शुरू कर रहे थे लेकिन आप बताएं हसन अली की जगह बनती है. हसन अली की जगह बिल्कुल बनती है क्योंकि वो नहीं गोल के साथ. देखिए आप डरे ना, हसन अली सुन नहीं रहे, प्लीज आप बताएं सही से बताएं हसन अली के. मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, उनकी जगह बनती है. वो नई बॉल के साथ और पुरानी बॉल के साथ बहुत अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं. हमने देखा कायदे आजम ट्रॉफी में और T20 नेशन इस वर्ल्ड कप से पहले जो टूर्नामेंट हुआ था पाकिस्तान में उसमें उसकी बहुत अच्छी कारकर्दगी रही. बैटिंग एज अ बॉलिंग उन्होंने मिडल ऑर्डर में बॉलिंग की, डेथ ओवर में बॉलिंग की, नई बॉलिंग के साथ नई बॉल के साथ भी उन्होंने बॉलिंग की. तो मुझे लगता है कि हसन अली की डेफिनेटली जगह बनती है पाकिस्तान की. अच्छा अच्छा नवील आप मुझे बताएं कि कल अगर पाकिस्तान ने टॉस जीता, सॉरी मेरी आवाज़ इसमें फंबल कर जाती है, कल अगर पाकिस्तान ने टॉस जीता. नहीं, अभी पाकिस्तान पे आते हैं. नहीं, एक सेकंड. अच्छा चले, मेरे जहन में क्वेश्चन आया था, मेरे दिल चाह रहा था करूँ. कल अगर पाकिस्तान ने जीता, पाकिस्तान को बॉलिंग करनी चाहिए बैटिंग? Going with the tournament trend, तो पाकिस्तान को बॉलिंग करनी चाहिए. यही ट्रेंड चला है. इसी तरीके से पहले तक उनके ऊपर टारगेट सेट हो और अच्छी तरह मुकाबला करें. अली मेरे बड़े पुराने स्पोर्ट्स इंटेलिजेंट पार्टनर हैं. इनकी एक बार 10-12 साल से मुझे बोल रहे हैं, बड़े सही बोल रहे हैं कि जो भी टीम क्रिकेट में बैटिंग में अच्छा स्टार्ट ले और अबव द गेम यानी ऊपर से स्टार्ट अच्छा मिल जाए 90% पाकिस्तान जीत जाता है. इन्होंने हमेशा मेंटेन रखा मुझे. अच्छा जबरदस्त. शुरू के अंदर भी आपके जो है ठीक है, एक्सेलेंट. पिछले जन्म में आप ज्योतिषी थे. जो भी टॉस की बात कर रही थी
सकते हैं कि बैटिंग करें, तो मेरा ज़्यादा ख्याल है कि इस पिच के ऊपर जहाँ पे खेलेंगे कल 11 मैचेस हैं 2020 वर्ल्ड कप के, और जिस टीम ने चेज किया आई थिंक आउट ऑफ 11 10 जो है वो जीती है, तो आई थिंक इनको अगर टॉस करते तो पहले बॉलिंग करनी चाहिए। परफेक्ट, ठीक है ठीक है। आप पिच की कंडीशन से कह रहे हैं ह्यूमिडिटी की वजह से या वैसे? पिच कंडीशन भी और प्लस जो पीछे 11 मैचेस हुए हैं उसके हिसाब से टेन जो है जिसने चेस किया वो जीता। जबरदस्त। अच्छा शाहीन शाह पूछ रहे हैं, आप पूछ रहे हैं या पूछ रही हैं मुझे कुछ आइडिया नहीं हो रहा। शाहीन शाह पूछ रहे हैं कि आप कहाँ पर हैं इस वक्त। हम शाहीन शाह यहाँ पर हैं इस वक्त, मुझे वैसे आपके नाम से शाहीन शाह आफरीदी याद आ रहा है, पता नहीं जी। तो हम लोग यहाँ किराही पॉइंट ओकविल में हैं, आप देखिए बहुत ज़बरदस्त इनका एम्बियंस है। तो अगर आप यहाँ ओंटेरियो में हैं आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ ओंटेरियो कैनेडा में, तो अगर नहीं है तो फिर आप हमें देख के खुश हों और दुआएँ दें। जबरदस्त और नाम देखिए और कढ़ाई तो कढ़ाई, बिल्कुल सही बात है और है ही कढ़ाई पॉइंट ये। मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रही, मैंने कहा आप जरा खा आप जरा खा लें, पेशेंस बहुत देखिए, जरा थोड़ा सा स्टेमिना आए तो फिर मुझे पता है जब आप बोलते हैं तो आप रुकते नहीं है, सो यू नीड समथिंग, तो कीप ऑन ईटिंग जी। पाकिस्तान पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा सवाल छोड़ता हूँ, तंग करता हूँ डॉक्टर नान को, कि न्यूजीलैंड की आप बॉलिंग देखें उसमें शामिल है टीम सॉफी टेंट बॉल एडर मिलने जो कि साउथ टीम से 3 साल के बाद टीम का हिस्सा बन रहे हैं, इस सोली सेट में डिनोमिनेशन, इस पूरे वर्ल्ड कप में हमने फायर बॉलिंग नहीं देखी न्यूजीलैंड की, जो भी अभी तक जो डोमिनेंस किया है वो बैटिंग नहीं किया है, जिस तरह आज आपने देखा होता था वो डोमिनेंस किया है बैटिंग में, इसको थोड़ा नजर डाला तो न्यूजीलैंड की बॉलिंग कहाँ जा रही है? नहीं आप वो अभी अभी शुरू हो रहे हैं वो, तो आप अभी बता रहे हैं आंसर जी, अच्छा नहीं वैसे मैं इस इनसे पहले मैं बता दूं जो मेरी थोड़ी सी अकल कहती है कि ईश सूदी बहुत ज़बरदस्त हैं, मतलब ही इज़ ए मैजिशियन बेसिकली, तो उसने तो बहुत अच्छी बॉलिंग करवाई है, मतलब मज़ा आया मज़ा आया। सही ठीक है चलें बताए। लेकिन देखे ट्रेंट बोल्ट जो है उनकी बॉलिंग, टिम सोदरी मुझे लगी कि थोड़ा स्ट्रगल कर रही है, लेकिन ट्रेंट बोल्ट की बॉलिंग तो मुझे बड़ी अच्छी लगी जो शुरू की उनके स्पेल थे इंडिया के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ, तो उन्होंने इंडिया को कंटेन किया हुआ था। इसका मुंह बोलता से मिलता है कि भारत की बल्लेबाजी, भारत की टीम जिस तरीके से मैच खेलती है और जिस तरीके से वो परफॉर्म करती है टॉप ऑफ द लाइन 110 पे भारत की कंडीशंस के अंदर भारत को इस विकेट के ऊपर कंटेन करना कोई खाला जी का घर नहीं है, दैट वाज फिनोमिनल। लेकिन मैं आपको एक जनरल आपको आइडिया बताता हूँ कि जो न्यूजीलैंड का बॉलिंग अटैक है जिसमें दो पेसर्स हो गए आपके ट्रेंट बोलर सूदी, आपके सैंटनर और मैच विनिंग एज सूदी जिनको मैं मैजिक फैक्टर कहता हूँ न्यूजीलैंड का, तो देखिए उनकी ओवरऑल अगर एवरेज चेक करें, सेमीफाइनल का मुझे हिसाब मुताब नहीं पता, लेकिन जो स्टैट्स मैंने पढ़े थे सेमीफाइनल में आने से पहले उनका एवरेज रन गिव करने का नॉट मोर देन 6 है। दिस इज द स्ट्रॉन्ग आइडिया दैट हाउ गुड दे आर, लेकिन जहाँ पर बात इस सूदी की आती है और पावर प्ले की आती है, दिस मैन इज फिनोमिनल इन द डेथ बॉलिंग, जब गेम फंसती है आके 13 और 17 के बीच यही टर्न होता है न्यूजीलैंड को हिट करने का, और इस सूदी जब वापस आते हैं तो शाह ने क्वेश्चन किया जो शायद उन्होंने दो मैचेस में पेसर्स की स्ट्रगल देखी है, तो देखें उसमें ये बात जहन में रखिए कि न्यूजीलैंड की टीम जो है वो एशियन कंडीशन पर खेल रही है, वो अपनी कंडीशंस में नहीं है। पाकिस्तान भारत और बांग्लादेश की टीमें और श्रीलंका की टीमें एशियन कंडीशन में खेल रही हैं, थैंक यू सो मच, लेकिन उसके बावजूद भारत की टीम इस वर्ल्ड कप से बाहर है, बांग्लादेश की टीम इस वर्ल्ड कप में कोई मैच नहीं जीत सकी, श्रीलंका की टीम सिर्फ एक मैच जीतने में कामयाब हुई और इस वर्ल्ड कप से बाहर हो गए, पाकिस्तान इज द ओनली एशियन टीम, तो उसमें आप क्रेडिट उनको दें कि इवन वो नॉन एशियन कंडीशंस में नहीं खेल रहे
लेकिन फिर भी उनका पल्ला कितना भारी है। और दुनिया में अगर आप देखेंगे पावर प्ले जो हो रहा है क्रिकेट वर्ल्ड कप के अंदर, अब 2019 का वर्ल्ड कप उठा लें तो पावर प्ले में जब आप तस्वीरें देखते हैं 4 सेमीफाइनलिस्ट की, तो वहाँ पर विराट कोहली को रिप्लेस किया है बाबर आजम ने। द पिक्चर रिमेन्स द सेम, चाहे वो लॉर्ड्स की कंडीशन है या वो कंडीशन है एशिया की, अबू धाबी की या दुबई की, शारजा की, द थिंग्स रिमेन द सेम। अच्छा एक क्वेश्चन, इवन 2 किलो बहुत से स्टिल द फैक्टर इज द सेम। राइट, शो द सुप्रीमेसी, जो सुप्रीमेसी एक जमाने में विव रिचर्ड्स वेस्ट इंडीज ने शो की, चाहे वो इंग्लिस्तान का मैदान हो, चाहे वो वेस्ट इंडीज का मैदान हो, चाहे वो फैसलाबाद का मैच हो, दे वर द विनर्स टू कन्वर्ट द डेड रबर इन टू अ थ्रिलर। जिस तरह के जिमी नेशम ने आज एक डेड रबर को एक टाइम पे लग रहा था कि इट्स गोइंग टू बी अ डेड रबर, मुझे लगा कि बड़े आसानी इंग्लैंड मैच ले जाएगा, लेकिन ही कन्वर्टेड दैट मैच इनटू अ पैक थ्रिलर, एब्सोल्यूट थ्रिलर। जिमी नेशम वाज माय एक्सपेक्टेड टुडे। जबरदस्त। अच्छा एक क्वेश्चन आया, रफाकत मीर पूछ रहे हैं कि मेरे ख्याल में कि आज टॉस जीत कर पहले पाकिस्तान को बॉलिंग करनी चाहिए तो बेस्ट रहेगा, सो इनका क्या ख्याल है? अच्छा ख्याल है इनका। पहले हमारे अभी क्या राय आ चुकी है यहाँ से बॉलिंग की? पहले मैंने कहा कि जो पीछे हिस्ट्री इस वर्ल्ड कप के अंदर पिछले 11 मैचेस की है जी, इस पिच के ऊपर वो यही है कि 10 मैचेस जिस टीम ने बाद में बैटिंग की है वो जीती है, और एक मैच सिर्फ जीती है आई थिंक न्यूजीलैंड की टीम से जीती। बिल्कुल ऐसे ही है, न्यूजीलैंड की टीम ने जो एक मैच में शिकस्त हुई है जो बाद में खेलने वाली टीम को, वो बदकिस्मत टीम स्कॉटलैंड की टीम थी जिनको शिकस्त उठाना पड़ी, वरना दुबई के मैदान में जो बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने कि जो 11 गेम्स हुए हैं वहाँ पर चेस करने वाली टीम क्योंकि ड्यू फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, और ड्यू फैक्टर की वजह से वहाँ पर बॉल स्पिन नहीं होता और दिक्कत होती है। अफगान की अली की बात करना चाहता है कि इसलिए लोग सेकंड फैक्टर जरूर करते हैं, ड्यू फैक्टर से जो बताना चाहते हैं क्यों ड्यू फैक्टर करते हैं, ड्यू फैक्टर होता है तो बॉलर्स को बहुत ग्रेट करने में मुश्किल होता है, पाँच बॉल से फिर भी थोड़ा संभाल लेते हैं, लेकिन स्पिन इज ऑल अबाउट ग्रेट, तो जब अगर स्पिनर का बॉल गीला होगा ना वो ब्रेक होगा ना ओपन होगा, इसलिए सारी टीम फैसला होता है। किया जो कि अफगानिस्तान के साथ टॉस हुआ और वही एक मैच था जो हमारे हाथ से जाने लगा, तो एंड में आपके पास उन्हें बचा दिया, लेकिन ये है कि डेफिनेटली आई थिंक बॉबर इज मेकिंग अ राइट डिसीजन, तो आई थिंक होपफुली कल भी पाकिस्तान टॉस जीते और यू विल मेक अ गुड डिसीजन। परफेक्ट। तो जी जहां पर भी बात जिक्र हो रहा था कि दुबई में 11 मैचेस हुए हैं जहां पर टीम आई मीन के आउट ऑफ 11 टाइम 10 टाइम्स वो टीम जीती है, लेकिन माइक भी आप इंटरेस्टेड हों जानने में कि ओवरऑल इस वर्ल्ड कप में क्या पहन अभी जा रहे हैं फैशन जा रहा है, इस वर्ल्ड कप के अंदर अभी तक 46 मरतबा में से 21 मरतबा वो टीम जीती है जिसने बैटिंग सेकेंड की, ओवरऑल उसमें जा रहा था इसके अंदर अभी मतलब जिसने चेज किया बेसिकली या ठीक। चले मेरे ख्याल से अब कल के मैच की तरफ आ जाते हैं, काफ़ी लंबी आपकी तो पूरी रात भी डिस्कशन चलती रही तो ख़त्म नहीं होगी, सो कल का मैच सब अपना अपना एक वर्डिंग्स दें कि कल के मैच में आप लोगों की क्या तवक्कुआत हैं। सबसे पहले आपका आपसे पूछूंगी, आप थोड़े से उदास लग रहे हैं मुझे। ठीक, थैंक यू सो मच। ठीक, जबरदस्त जबरदस्त जी। आप मैं समझता हूँ कि 20 तारीख पे पाकिस्तान टीम के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम और उसने प्रूव किया अपने ग्रुप मैचेस के अंदर, और इंशाल्लाह कल भी मैच जीतेंगे और आगे फाइनल जीतेंगे। नबील, थैंक यू नबील। मैं तो ये कहूँगा कि कल पाकिस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया, जो रेगुलर ऑस्ट्रेलिया हमने ओवर द लास्ट 5 मैचेस देखा है,
तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन था। ये वो ऑस्ट्रेलिया नहीं है जिसका मतलब है ये नहीं कि ऑस्ट्रेलिया फाइट नहीं कर सकता, इंशाल्लाह पाकिस्तान भी कवर कर देंगे, लेकिन एक मेरा सब व्यूअर्स को फैंस को मैसेज है, जिस तरह से पाकिस्तान ने क्रिकेट खेली है, जिस एटीट्यूड से और जिस परफॉर्मेंस से, मैनेजमेंट से लेकर लीडरशिप से लेकर, दे टिक ऑल द बॉक्सेस। तो कल अगर अनफॉर्चुनेट किसी से हार भी जाए, वी आर पार्ट ऑफ द बॉय, जस्ट गो विद द पॉजिटिव मेंटेलिटी, वी प्ले द वर्ल्ड फॉर द बेस्ट। एक्सेलेंट एक्सेलेंट इंशाल्लाह। जी जीशान, अच्छा क्या वो नकल कर ले आपकी? चले चले मैं समझ गई हूँ। ओके ओके फाइन, ठीक है जी जी काशिफ भाई, जी काशिफ भाई जी। मेरा जो जेन है वो जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जो पाकिस्तान का गेम प्लान अब तक चल रहा है, बाबर आजम के स्कूल माइंड के साथ वो चलाता रहा है जी, एक जगह उसने अपना कूल हेड यूज किया और अफगानिस्तान के खिलाफ इंतहाई गैर मुनासिब शॉट पे आउट हो गया। सही है, अगर वो अपनी गेम प्लान सस्पेक्ट करेंगे, हाँ जी, आगे ये नहीं देखेंगे कौन सी टीम है, आगे देखेंगे ओपोनेंट, सिंपल ओपोनेंट लेंगे, गेम प्लान से स्टिक रहेंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर, क्या वो पहले आते हैं वो बाद में आते हैं, दे आर गोइंग टू विन द मैच। लेकिन हैविंग सेड दैट, पाकिस्तानी कौन के जो दिल की बीमारी है वो ना करते हो, हम तो वैसे ही वर्ल्ड कप जीत चुके हैं जो हमने इंडिया को हराया था। सही, वी आर गुड इन दैट, तो हमने बहुत जबरदस्त खेला है, हमने कोई शिराज साहब है और अच्छा ये कॉम्प्लीमेंट जो है ये दे रहे हैं नबील कि फूड इज़ फैंटास्टिक, ज़बरदस्त फूड है। और मैंने थोड़ा सा जो देखने वाले हैं उनको ललचाया भी थोड़ा सा, जब वो कबाब माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त गरम गरम आया हुआ था, बारबेक्यू एवरीथिंग, तो फूड क्वालिटी बेहतरीन, कंसिस्टेंट इनकी सर्विस है और हमेशा एक जैसी फूड क्वालिटी, और हम सारे जो है पार्टी कर रहे हैं। सही जी, नहीं कढ़ाई पॉइंट को बड़ा क्रेडिट जाता है पाकिस्तान एयरसोन जी जी, बहुत सारे मजे हैं बड़े फिटेज के, टेक अवे केटरिंग एयर वो, लेकिन इस चीज़ की पाकिस्तानी रेस्टोरेंट की मार्केट में कमी थी कि प्रॉपर प्लेस जाए, अच्छी एम्बियंस के साथ जाएँ, अपनी फैमिली के साथ कंफर्टेबल फील करें और यहाँ बार बार इवेंट्स बुक करें, तो ये बहुत ज़बरदस्त इस हवाले से कढ़ाई पॉइंट ने अपने सारे बेसिस को मेनटेन किया। तो दैट्स ऑल, थैंक यू। पेरेंट्स के लिए एक और अच्छी बात ये है कि बच्चों का प्ले एरिया है, तो दे कैन एंजॉय द फूड एंड लेट देयर चिल्ड्रन प्ले इन द प्ले एरिया, तो वो भी एक है ऑप्शन। नमाज के लिए भी जो जगह है एक्सेलेंट, मैं बिल्कुल फिर के पूरा टूर करवाती हूँ, एंड दैट्स रियली अमेजिंग, मुझे बड़ा अच्छा आइडिया लगा कि बच्चों का प्ले रूम है, माएँ कम अज़ कम सुकून से खाना खा सकती हैं, सो हैट्स ऑफ। एग्जैक्टली, एक्सेलेंट एक्सेलेंट जी, तो हाँ जी, हम सबको आपका वर्ड है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और नो डाउट आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम हमें ऐसा लग रहा है कि ये कोई एक टीम आई है, मतलब पहले भी हालांकि टीम में बहुत बड़े बड़े नाम थे, वसीम अकरम, इमरान खान, लेकिन उस वक्त भी हमें ऐसा लगता था टीम में अभी भी 10वां 11वां खिलाड़ी उस तरह चली है, लेकिन ये पहली दफ़ा ऐसा फील हो रहा है कि 11 के 11 खिलाड़ी एक बाकायदा फुल फोर्स के साथ as one playing as one, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसकी है कि मैं कल देख रहा था कि जो उन्होंने इस दफ़ा एनालिस किया है कि ऑस्ट्रेलिया का रेशो विनिंग कम है, पाकिस्तान का ज़्यादा दिखा रहे थे, अल्लाह करे ऐसा ही हो, तो लेकिन ये भी पहली दफ़ा ही देखने में आया है कि ऑस्ट्रेलिया के कंपैरिजन में पाकिस्तान को ज़्यादा नंबर दिए गए कि ये
वैसे शराज हमें खुश नहीं इतना होना चाहिए क्योंकि कल इंग्लैंड को दिखा रहे थे ज्यादा यू नो, तो मुझे भी डर लग रहा है थोड़ा सा, अंदर से थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है. सबसे पहले तो घबराना नहीं है. एग्जैक्टली. तो कल का ही मैच मैं समझता हूँ पूरे टूर्नामेंट में सबसे इम्पोर्टेंट मैच ही कल का. अब तक जो पाकिस्तान के लिए भी जो मैचेस हुए हैं मेरे ख्याल से उसमें इंडियन और न्यूजीलैंड ज्यादा अंडर प्रेशर लग रहे थे, लेकिन असल जो अब तक टाइम है वो कल का मैच है पाकिस्तान के लिए. जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पे भी एक प्रेशर है अब जाके, वो प्रेशर है, लेकिन आई होप आई विश के ये प्रेशर पाकिस्तान ना ले और ये गेम जीते और वर्ल्ड कप भी जीत कर जी जी बिल्कुल सही बात है. न्यूजीलैंड से तो बदला पूरा हो चुका है, दो दफा हुआ है बल्कि, नहीं नहीं दो दफा नहीं, हाँ दूसरी दफा इंशाल्लाह इंशाल्लाह. या 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 आई एम डेस्परेट. या जिस तरह से कि अभी नबील ने बताया, सबने बताया कि हम कढ़ाई पॉइंट में बैठे हुए हैं, फाइव स्टार रेस्टोरेंट, फाइव स्टार सर्विस, फाइव स्टार फूड. पांच का हिस्सा हमारी जिंदगी में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. जब हम फाइव स्टार फूड की बात करते हैं, फाइव स्टार रेस्टोरेंट की, तो पाकिस्तान टीम भी फाइव की पर बिलीव करती है. पाकिस्तान टीम की बेस्ट विनिंग स्ट्रीक इन द वर्ल्ड कप्स दैट हैज बीन ब्रोकन नाउ एंड शैटर्ड नाउ सिंस 2009, सिंस पाकिस्तान लास्ट विन दिस फॉर्मेट ऑफ द वर्ल्ड कप इन 2009 विद द यूनुस खान्स पाकिस्तान. दैट वॉज द पाकिस्तान बेस्ट स्प्रिंट विद द फोर कंसेक्यूटिव विन्स. पाकिस्तान ने इस वर्ल्ड कप में वो हिंसा तोड़ के अब पाँच मैच जीतने के बाद ये पाकिस्तान का बेस्ट विनिंग सीक्वल है. जहाँ पर हम पांच की बात करते हैं तो एक और पांच बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसका ताल्लुक न्यूजीलैंड से है. न्यूजीलैंड की टीम जो उसका फाइनल में पहुंच चुकी है, ईशान ने उनकी बॉलिंग के बारे में हम बातचीत कर रहे थे, तो इस सुदीप जो इनको मैं मैजिक फैक्टर कहता हूँ न्यूजीलैंड का, इनकी जिंदगी में भी पाँच का हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है. वो कैसे कि इन्होंने फाइव टाइम्स इस वर्ल्ड कप के अंदर एक यूनिक फीट है कि अपने पहले ओवर में बेस्ट बैट्समैन को हिट किया. पाकिस्तान की जानब से इन्होंने फाखिर की विकेट ली चौथी बॉल पर, और इंडिया के खिलाफ इन्होंने रोहित शर्मा की विकेट ली तीसरी बॉल पे, और उसके बाद एरिस्मिस की विकेट ली, जॉर्ज मुंसी की विकेट ली स्कॉटलैंड की, वो स्कॉटलैंड के बेस्ट प्लेयर हैं, कनाडा में भी आ चुके हैं खेलने के लिए, वो ब्रैंटन वुल्फ से खेला करते थे यहाँ पे. तो पांच का हिंसा उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है. उन्होंने जिस चीज़ से भी खेला, और आई थिंक अफगानिस्तान के खिलाफ उनकी जो की विकेट थी गुलबदीन, गुलबदीन को आउट किया. तो ये फाइव क्या हिंसा जो है इट इज़ ओवरऑल वेरी इंपॉर्टेंट. तो अब देखना ये है कि क्या पाकिस्तान इस फाइव विन के जो कंसेक्यूटिव स्ट्रीक है इसको अब सिक्स के ऊपर लेके जाएगा या नहीं लेके जाएगा, कैसे लेके जाएगा, कैसे करते हैं. और जब बात हो रही है हिसाब किताब की, तो जस्ट वी वर किडिंग कि सुना है जी कि पाकिस्तान ने एक ज़माने में कंगरू मांगे थे और ऑस्ट्रेलिया ने इनकार कर दिया था. कंगरू का तो मुझे पता है नहीं है कि इनकार किया था कि नहीं किया था, लेकिन बड़े पुराने बल्ले जो हैं वो बराबर करने हैं, स्कोर्स लेवल करने हैं. पाकिस्तान ने 1987 का वर्ल्ड कप और 1987 का रिलायंस कप जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान में मुश्तरक तौर पे खेला जा रहा था, वहाँ पर पाकिस्तान की टीम वॉज द हॉट फेवरेट फ्रॉम द पूल ए, ग्रुप ए, जबकि पूल बी से, ग्रुप बी से भारत की टीम जो है वो फेवरेट थी. आम क्या सराइयाँ ये हो रही थी कि क्या भारत सेमीफाइनल खेलने के लिए लाहौर आएगा या पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल खेलने के लिए मुंबई का रुख करे. माफ कीजिएगा, उस वक्त मुंबई आई थिंक बम्बई था कि पाकिस्तान बम्बई का रुख करेगा कि नहीं करेगा. करना खुदा का क्या हुआ कि पाकिस्तान अपना आखिरी मैच जो है वो हार गया विद रिचर्ड्स वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट. हर टीम को अपने ग्रुप से दो मैच खेलने थे. पाकिस्तान टीम ने अपने एक मैच में वेस्ट इंडीज़ को शिकस्त दी थी, जहाँ पर अब्दुल कादर का वो यादगार छक्का था अब्दुल कादर मरहूम का, कादर भाई रेस्ट इन पीस. और उस छक्के के बाद पाकिस्तान की मुलाकात हुई इंग्लिस्तान के साथ. इंग्लिस्तान के को पाकिस्तान आज तक वर्ल्ड कप पे नहीं हरा सका था. पाकिस्तान ने दोनों मैचों में इंग्लैंड को शिकस्त दी. एक मैच जो है वो कराची में खेला गया था, एक मैच रावलपिंडी में. रावलपिंडी के मैच में आई वॉज द आई विटनेस, जो वसीम अकरम का बड़ा यादगार मैच था, जहाँ पर उन्होंने पाँच खिलाड़ियों को रन आउट किया था वहाँ पर. तो बात आगे बढ़ाता हूँ, पाकिस्तान टीम चूँकि मुकाबला ये था कि भारत की टीम अब पाकिस्तान आएगी कि नहीं आएगी. भारत अपना आखिरी मैच, जैसा कि माजी में देखा गया कि 2015 के वर्ल्ड कप में महेंद्र सिंह धोनी की टीम इंग्लिश टीम से एक बड़ा अजीबो गरीब मैच हार गई. आई डोंट वॉन्ट टू गो इन द डिटेल्स. बेन स्टोक्स से आप पूछ लीजिएगा कि वो ऑन द इन द फायर जो उनकी बुक है उसमें क्या कहते हैं.
इसी तरह भारत की टीम अफगानिस्तान से हार गई. आई डोंट वांट टू गो इन द डिटेल्स, इट्स नॉट लुकिंग प्रोफेशनल टू मी. नहीं, आपको डिटेल में जाने भी नहीं दूंगी मैं. जी, जी. तो इसी तरह से भारत उस वर्ल्ड कप के अंदर न्यूजीलैंड उनके पूल में सबसे कमज़ोर हरीफ था. तो न्यूजीलैंड की टीम जो सबसे कमज़ोर हरीफ थे उनके खिलाफ भारत की टीम अपना एक मैच आई थिंक 12.5 ओवर्स में उनको टारगेट मिला और उन्होंने एक मैच उनसे हारा और एक मैच को 12.5 ओवर्स में पूरा किया. सुनील गावस्कर ने वहां पर 100 रन स्कोर किए, वो उनके कैरियर की वाहिद सेंचुरी थी. अगर ओवरऑल मैं उनकी पेस को देखूं तो वो आज तक सेंचुरी बनाने में कामयाब नहीं हुए. लेकिन इतना प्रेशर था 1 बिलियन लोगों का लाहौर से बचने के लिए कि उनके लिए ज़रूरी था कि अगर वो मैच को 15 ओवर से पहले ख़त्म करती हैं तो वो लाहौर से बचती हैं, वरना उनको लाहौर आना पड़ेगा. भारत की टीम ठहरी हिंदुस्तान में, उनका मैच पड़ गया इंग्लिस्तान से जो इस पूल से आई थी हमारे साथ से, और हमारा मैच पड़ गया ऑस्ट्रेलिया से जिनका मैच करना है हमने बराबर. ऑस्ट्रेलिया की टीम अंडर डॉग्स थे, एलन बॉर्डर एक नई टीम लेके आए हुए थे. अभी आई थिंक के डीन जोन्स रेस्ट इन पीस, उन्होंने अभी तक डबल फिगर में एंटर नहीं हुए थे अपनी वनडे गेम्स के अंदर. पाकिस्तान को गेम अनफॉर्चुनेटली 45,000 मजमे के सामने वो गेम 118 रन से हार गया. सलीम जाफर जो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स थे उनको स्टीवन वॉ ने 18 रन मारे उस आखिरी ओवर के अंदर. बहुत सी चीज़ें पाकिस्तान के हक में ली गई. सलीम मलिक ने स्लिप में इमरान खान की बॉल पे पहले ओवर में चौथी बॉल पे कैच ड्रॉप कर दिया था. मियां दाद आउट हो गए. इमरान खान को इमरान खान के फेवरेट अंपायर डिकी बर्ड ने गलत आउट दे दिया, उनके बॉल बकल से लगा. एक और क्या हुआ था, सलीम यूसुफ जख्मी हो गए, उनके मुंह पे बॉल लगी, पाकिस्तान को मेक शिफ्ट कीपर मियां दाद पे आना पड़ा. बहुत से भाई के चौके हुए. मुझे बता तो जस्ट मुझे नहीं नहीं मुझे बता मुझे बताए एम्पायर को क्या हुआ. नहीं, मैं डॉक्टर साहब के बारे में पहले कहीं जायचे तो नहीं बना जिस अंदाज में ये नॉलेज को उंडेल रहे हैं. जी जी. तो जस्ट आई एम कमिंग टू अ पॉइंट, एक एक्सटेम्पोर कर रहा था कि मुझे याद आया पुरानी यादें हैं इस मैच से. फिर 1999 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का सामना एक पर्पा दोबारा हुआ. दो दफ़ा पाकिस्तान ने पहले उनको पूल गेम में ग्रुप ए में एज वेस्टर्न में वहाँ पर शिकस्त दी पाकिस्तान ने अपने फेवरेट ग्राउंड के अंदर, जहाँ पर रूडी कर्टजन जो है एक साफ प्लम आउट स्टीवन बॉल का शोएब अख्तर की बॉल पे पी गए थे, क्योंकि उससे कुछ देर पहले शोएब अख्तर ने उनसे बदतमीजी की थी और रूडी कर्टजन का बिहेवियर यह था कि तुम्हें विकेट निकालनी होगी वरना मैं तुम्हें LBW आउट नहीं दूंगा. डॉक्टर दान क्वेश्चन क्या था, शोएब अख्तर ने बोल्ड किया था स्टीवन वॉक और पाकिस्तान वो मैच आई थिंक 9 रन से वो मैच पाकिस्तान जीत गया था. उस मैच के हारने के बाद अब मैं उस पॉइंट पे आ रहा हूँ जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलियन टीम की खासियत, ऑस्ट्रेलिया इज सच अ डेंजरस ओपोनेंट, दे डोंट लीव देयर ओपोनेंट इजीली. बहुत सी दुनिया की टीमें हैं, कोई भी टीम हारने के लिए नहीं खेलती, लेकिन ऑस्ट्रेलिया अपने हरीफ को इतनी आसानी से नहीं छोड़ती. चाहे वो भारत भारत में खेल रहा हो, पाकिस्तान पाकिस्तान में खेल रहा हो, या पाकिस्तान अपनी कंडीशंस पे खेल रहा हो. उस मैच को हारने के बाद जब स्टीवन वॉ को इयान चैपल ने बुलाया एज अ लूजिंग कैप्टन, तो उस वर्ल्ड कप का रूल ये था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम वर्ल्ड कप से बाहर हुआ चाहती थी. उनका मैच सिर्फ स्कॉटलैंड से बाकी था और एक वेस्ट इंडीज़ से बाकी था, और उनको सुपर सिक्स में तीनों गेम जीतनी थी जबकि पाकिस्तान को सुपर गेम की सिर्फ एक गेम जीतनी थी. इयान चैपल ने स्टीवन वॉ से क्वेश्चन किया कि स्टीव व्हाट्स योर प्लान नाउ फॉर द वर्ल्ड कप, और मैं आई स्टिल रिमेंबर दैट आई वाज आई थिंक इन द थर्ड ईयर ऑफ द मेडिकल स्कूल, फोर्थ ईयर ऑफ द मेडिकल स्कूल. तो हम चूंकि जज्बाती थे, हमने फौरन चीखों पुकार करके कहा द ओनली वन वे टिकट बैक टू द मेलबर्न, लेकिन वो हम गलती पे थे. स्टीवन वॉ ने जवाब दिया इयान चैपल को वो यादगार जवाब. उस वर्ल्ड कप के दो ही बातें ऐसी थी जो बड़ी यादगार हैं और वो सिम्बॉलिक बन गई. एक बात थी, स्टीवन वॉ ने कहा कि वी हैव कम ओवर हियर इन द इंग्लैंड टू विन द वर्ल्ड कप, आई डोंट नो मच अबाउट. उसने पूछा कि व्हाट इज़ योर गेम प्लान नाउ नेक्स्ट, व्हाट ऑस्ट्रेलिया विल डू. ही सेड आई डोंट नो अबाउट द गेम प्लान, आई नो ओनली वन थिंग, वी हैव टू विन नेक्स्ट 7 गेम्स. इन सेवन गेम्स के अंदर वो 3 गेम्स सुपर सिक्स की थी, एक गेम सेमी फाइनल था और एक गेम फाइनल था. और एज अ क्रिकेट फैन, एंथुसियास्टिक फैन, आई वॉज एंग्री ऑन ऑस्ट्रेलिया. मैं बोला कि चलो यार तुम 7 गेम्स तो जीत जाओगे,
क्या तुम्हें पता है कि इन 7 गेम्स में तुम्हें 2 मरतबा साउथ अफ्रीका के हाथ से गुजरना होगा? Who will survive from South Africa? That was the South Africa of Lance Klusner, जिन्होंने अगर आप वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे, और अगर आप नहीं जानते कि ये ट्रेंड क्या था लांस क्लूजनर का, तो आप मैच पॉइंट की हमारी यूट्यूब पे जाके हमारा लांस क्लूजनर से गपशप जरूर देखिएगा। यू विल एंजॉय कि लांस क्लूजनर ने मुझे क्या बताया कि उनकी एग्जीक्यूशन क्या होती थी। लांस क्लूजनर ने बताया कि उन दिनों, अब तो आपके स्पेशलिस्ट बैट्समैन होते हैं T20, उस जमाने में कोई T20 स्पेशलिस्ट नहीं थे, T20 गेम्स नहीं थी, और उनको एक टास्क दिया जाता था कि रोज के उन्होंने 200 बॉल्स को हिट करना होता था सिक्सेस के लिए, और उनका टारगेट उनके कोच ने ये रखा हुआ था कि अगर तुमने 165 बॉल से कम हिट किए तो यू आर आउट ऑफ द गेम। उनका मकसद 50 बनाना या 100 बनाना नहीं था, उनकी एग्जीक्यूशन क्या होती थी कि उनको टास्क दिया जाता था नेट्स के अंदर कि यू हैव टू ओवर्स एंड यू हैव गॉट द 30 रन्स, उनको टारगेट अचीव करना होता था। वही टारगेट अचीव करने के लिए जब ऑस्ट्रेलिया की टीम उनके साथ पहुंची सुपर सिक्स में, तो मशहूर जमाना दूसरा फेंकना जो आज क्रिकेट का हिस्ट्री बन चुके हैं, उनके बाइबल्स के अंदर है, सन यू डिडंट ड्रॉप द कैच यू ड्रॉप द वर्ल्ड कप। हर्षल गिब्स ने जब प्री एक्साइटमेंट में स्टीवन वॉ का कैच छोड़ा प्री एक्साइटमेंट में, तो स्टीवन वॉ ने उनको अपने पास बुलाया और उनको कहा कि सन यू डिडंट ड्रॉप द कैच यू ड्रॉप द वर्ल्ड कप। एंड देन देयर वॉज द मीटिंग, दे बीट साउथ अफ्रीका इन द सुपर सिक्स गेम एंड देन दे रीच द सेमी फाइनल। जब वो सेमी फाइनल में पहुंचे और वहां पर दोबारा उनका री मैच हुआ, और जिस तरह न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का मैन मैच हुआ है वो टाई हो गया और इंग्लैंड की टीम बाउंड्रीज पे जीती, तो उस वर्ल्ड कप का रूल ये था कि जिस टीम ने सुपर सिक्स से पहले आपको डिफीट किया होगा वही टीम उस मैच की विनर होगी, और वो मैच लास्ट लूजर जो जिता गए थे मैच को, लेकिन उसके बावजूद रन आउट हुए, एक ट्रेजिक रन आउट हुआ, मैच टाई हो गया और ऑस्ट्रेलिया की टीम जीत गई। ऑस्ट्रेलिया की टीम जीत के पहुंची फाइनल में, फाइनल में एक दफा फिर हो गया पाकिस्तान, और वी आर राइट नाउ बैक ऑन द ट्रैक। पाकिस्तान टीम ने अब बदला लेना, आप ये कहना चाह रहे हैं टीम ने बदला लेना, राइट? बेशुमार वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे रखी है, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, पाकिस्तान हैज नेवर डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया इन द नॉकआउट गेम। In every knockout game, Pakistan has been dethroned and has been kicked out of the tournament by the Australia, whether it's the Alan Borders Australia, whether it's the Stephen Waugh Australia, whether it's the Michael Clark Australia. Or Mike Hussey Australia. Or Mike Hussey Australia. ये लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम का ऑस्ट्रेलिया कैच ड्रॉप हो गया मुझसे। मैं दोबारा आपसे क्वेश्चन करता हूं क्योंकि नाज़नीन मेरे ख्याल से ये उस साइड से प्रेशर पड़ा है बिल्कुल डेफिनेटली, हमारे जो व्यूअर्स हैं वो बहुत एक्साइटेड हो गए डॉक्टर साहब आपकी बात से। अब मुझे अब ये बताएं कि खुदा के लिए कुछ हमें भी क्वेश्चन दे दें, पाकिस्तानी जीतेंगे कि नहीं? अच्छा नहीं, एक सेकंड, अच्छा मैं जरा, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इकट्ठे हो गए हैं, डॉक्टर दान की बात इतनी लंबी हो गई है कि बेचारे अगले जो है ना वो क्वेश्चन करके शायद सोने चले गए। अच्छा क्या क्या कहते हैं जी, उन्होंने कहा है, सुना है कि आज मोहम्मद रिजवान और, अच्छा नहीं सॉरी मैं पीछे आ गया, जी 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 एक सेकंड, जी 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 कहाँ गया जी, मेरे ख्याल में पाकिस्तान को आज टॉस जीत कर, अच्छा ये सॉरी ये भी हो गया, ये मुझे लगता है गिरने से सारे पीछे चले गए। अच्छा अच्छा जी जी, अच्छा बाकी खुद भाई मेरे, मुझे तो आपकी समझ नहीं आ रही आपने लिखा क्या हुआ है, खुद आप अच्छा बाकी सब खुद आप सब ने खाना खा लिया और हमें पूछा भी नहीं, आप आ जाएं बिल्कुल, यहाँ हम क्राई पॉइंट में हैं, खाना पड़ा हुआ है अभी बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, तो जी अभी पैक भी नहीं करवाया, तो आप आ जाएं और मोस्ट वेलकम रफाकत मी, आप खाएं, खाना यहाँ पर पड़ा हुआ है अभी तक, और वीडियो रुक रुक के चल रही है तो अब मुझे तो समझ नहीं आ रही, मैंने तो कनेक्शन भी अभी तो फास्ट ही करवाया था वाईफाई लेकर, सो आई होप कि मैं डाटा भी नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट रनिंग ऑन वाईफाई। सो जी डॉक्टर दान, अब थोड़ा सा शुक्र है ब्रेक लगा है इनको, तो अब हम आते हैं किस पे आए, अच्छा तो मुझे मेरे ख्याल से काफ़ी लंबी होगी हमारी डिस्कशन, कल की प्रेडिक्शन चाहिए, ऑब्वियसली मुझे वैसे पूछने की जरूरत नहीं है, अभी हमने प्रेडिक्शन से कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है। अच्छा खैर, अल्लाह खैर, तो ये अच्छा ओके फाइन, तो जी पाकिस्तान का गुड पॉइंट पूछा आपने, पाकिस्तान का प्लस पॉइंट है, ऑस्ट्रेलिया है
इज थ्रोइंग पाकिस्तान इन द नॉकआउट गेम, बट इस वर्ल्ड कप के अंदर अगर सिक्सेस का रिकॉर्ड देखे जाए कि कन्वर्जन रेशियो सिक्सेस का कितना है, तो मेरे पास सामने जो फार्मूला है, मोस्ट बॉल्स इन दिस वर्ल्ड कप 2021 विदाउट हिटिंग द सिक्स ऑस्ट्रेलियन बैटर स्टॉप में है. Really? And now they are up against one of the best bowling in the world. Dusen 92 banaye, ye top mein hai most balls faced without a six. Zane Green 77 aur uske baad dekhiye Stephen Smith 65, David Warner 59. To ye dono aapke main Max Gill ko hum nahi leke aate, lekin ye do aapke main striker hai upar se. To pressure will be on the Australia. ये हिट नहीं करते, इट विल नॉट बी इजी टू हिट एट द पेस ऑफ हारिस रऊफ या एट द पेस ऑफ शाहीन शाह अफरीदी, इट विल बी टफ फॉर देम. दूसरी चीज जो पाकिस्तान के हक में जा रही है वो, अब मैं अगर बात करूँ कि बैट्समैन जिन्होंने इस वर्ल्ड कप के अंदर T20 वर्ल्ड कप के अंदर 20 से ज्यादा रन स्कोर किए एक ओवर के अंदर, हु आर दोस? इस वर्ल्ड कप के अंदर मेरे पास 5 बैट्समैन ऐसे हैं कि जिन्होंने माफ कीजिएगा 20 रन से ज्यादा स्कोर किए हैं एक ओवर के अंदर. आज के मैच से पहले पहले बात हो रही है, क्योंकि आज तो उन्होंने वो क्या किया, डुबो दिया बिल्कुल, जिसको नबूद कर जी जी जी. लेकिन अगर मैं आज के मैच से पीछे जाऊँ तो जो 5 लोग जिनके पास ये जो रिकॉर्ड बुक में है इस वर्ल्ड कप के लिए, उसके अंदर 3 नाम जो है वो पाकिस्तान से हैं. दिस इज द प्लस पॉइंट फॉर द पाकिस्तान. आसिफ अली 24, मोहम्मद रिजवान 24, शुएब मलिक 22. तो ये चीज़ें बहुत बड़ा प्लस है पाकिस्तान के लिए. जब हमने बात की कि नॉकआउट में पाकिस्तान कभी नहीं जीता, तो नबील दिस विल बी द फेवर. व्हाट यू विल से अबाउट द फॉर्म ऑफ रिजवान इन हिटिंग द सिक्स एंड शुएब मलिक जो उन्होंने लास्ट इनिंग्स में किया, और आसिफ अली ऑफ कोर्स द पावर हिटर. नवीन भाई, एक फोर गेम्स फोर बॉल्स ईच एंड डबल. एक क्वेश्चन आप एक और भी लेना जो आप जवाब दें. शाहीन अफरीदी और साथ जो हारिस रऊफ है, ये दोनों हमारे पास एक नया टैलेंट है. आपका क्या ख्याल है अंडर द प्रेशर, जो अंडर प्रेशर, क्योंकि टुमारो इज़ द ग्रेट प्रेशर, और हमारा प्रॉब्लम मेजर यही रहा है कि हम लोग जब भी प्रेशर गेम आती है तो वी काइंड ऑफ लूज द मैच. तो ये तो क्योंकि हमारे की अटैकर्स, इनकी क्या परफॉर्मेंस होगी अंडर प्रेशर, भी क्या परफॉर्म करेगा? अगर इनको 2 छक्के पड़ गए, 3 छक्के पड़ गए, तो ये किस तरीके से आगे क्या कैरी कर सकेंगे? थोड़ी कहें मेरे ख्याल दोनों के अंदर एक कैपेबिलिटी है जो उनकी बॉलिंग क्वालिटी है कि वो प्रेशर में अटैक कर परफॉर्म कर सकते हैं. जैसे कि आपने शाहीन को देखा है, शाहीन की सबसे बड़ी क्वालिटी के लेंथ भी अच्छे गेन कर रहे हैं, यॉर्कर्स उनके पास बहुत ज़बरदस्त हैं, वो इसी तरह कंपैक्ट कर सकते हैं. अगर उनको छक्के पड़ गए हैं, कम बैक कर सकते हैं. हारिस रऊफ ने जो पूरे टूर्नामेंट हमें दिखाया है, चाहे उसको फेंटा लग रहा हो या मार पड़ी नहीं पड़ रहा, जिस किस्म का वो वेरिएशन पेस में कर रहा है, यानी जो चेंज ऑफ पेस है उसके, जो स्लोअर बॉल्स हैं, आई थिंक वो उस चीज़ को कम बैक कर लेंगे. अब रही अदनान की बात के साथ, उस सवाल से पहले मैं एक बहुत ही फैक्ट को बताना चाहता हूँ. ऑस्ट्रेलियन और कुछ क्रिकेटर वैसे होते हैं जो कि बिग मैच प्लेयर होते हैं, इम्पैक्ट प्लेयर होते हैं, उनके स्टैंड सबसे स्ट्रॉन्ग करके उनका जो जी जी उनका एटीट्यूड और उनकी जो उनकी मैच अवेयरनेस होती है, और उनका जो एटीट्यूड होता है, उनकी जो प्रेजेंस होती है, जिस तरह के पास मैच रहे हैं, जैसे क्रिक गेम है शायद या फिर उस तरह के, कल के गेम में 2 ऐसे प्लेयर हैं, एक पाकिस्तान के हैं, एक ऑस्ट्रेलिया के हैं. ऑस्ट्रेलिया के मैक्सवेल और पाकिस्तान के फखर जमान, वी हैव टू, एवरीबडी नीड्स टू वॉच आउट फॉर देम. अभी तक ये दोनों फायर नहीं हुए, कि दोनों इस तरह की कैपेबिलिटी रखते हैं, अगर ये फायर हो गए तो ये अपोजिशन के मुंह से मैच निकाल. अगर खुदा ना खास्ता ये दोनों फायर हो गए, तो मैं नबील की बात को बिल्कुल मैं बैकअप करूंगा कि मैक्सवेल अगर द करंट डे चल गए, पाकिस्तान काफी देर निकल जाएगा आउट ऑफ द बिजनेस. मैक्सवेल के बल्ले का चलना, अभी तक मैक्सवेल नहीं चला, मैक्सवेल कंट्रोल्ड है, अभी कंट्रोल्ड है. और जो पाकिस्तान के लिए प्लस पॉइंट है वो ये है, पाकिस्तान के लिए प्लस पॉइंट ये है कि मैक्सवेल जो है वो माहिर है मिसबा वाली हरकतें करते हैं. ये चीज़ पाकिस्तान के हक में जाएगी. रिवर्स स्वीप भी करते हैं बड़ी दिलेरी के साथ, फाइनल लेग वो थर्ड मैन को उल्टा खेलते हैं, और वही जो 2007 वाला स्टाइल है, अपसेट, ये अपसेट करने वाला स्टाइल है, उसी में अपनी विकेट भी गंवाते हैं और ऑफ स्टंप उड़वाते हैं. तो ये पाकिस्तान का प्लस पॉइंट है. इट विल नॉट बी ईजी टू हिट शादाब विद द लाइक्स ऑफ क्लेवर बॉलर ऑफ द कराची किंग्स इमाद वसीम. इट विल नॉट बी ईजी टू फेस द टू प्ले द शॉट्स अगेंस्ट द पेस ऑफ हारिस रऊफ. लाहौर के अंदर की पेस बैटरी
और आई थिंक मैक्सवेल इतने बेवकूफ भी नहीं है कि वो हारिस रोव और शाहीन शाफीदी को मैक्सवेल और हारिस रोव दोनों एक टीम के लिए खेल चुके हैं बिग बैश जी बिल्कुल बिग बैश के अंदर रेडी गेट से खेलते थे मेलबर्न रेडी गेट बिल्कुल जी शाम ने मुझे रिमाइंड कराया दे ऑल्सो नो अबाउट ईच अदर वेरी वेल और मैक्सवेल ने उनको बहुत इंकरेज भी किया जब वो आया तो उनको बहुत सपोर्ट दी जब उन्होंने बॉल ली तो उन्होंने उनसे पूछा कि तुम्हें कहाँ बॉल करनी जैसी बॉल करना यू टेल मी गो एंड गिव इट योर बेस्ट और जब लाहौर कलंदर के यूथ प्रोग्राम में जब हारिस रोव को ले जाया गया तो इंडिया वाज ऑन द फेमस सीरीज जहाँ पर उनको स्मिथ और वार्नर लेस ऑस्ट्रेलिया के साथ टिम पेन की ऑस्ट्रेलियन टीम का सामना करना था तो वहाँ पर हारिस रोव को उसी कलंदर प्रोग्राम के अंदर विराट कोहली को नेट्स के अंदर बॉलिंग करने का मौका मिला था जहाँ से विराट और हारिस रोव की दोस्ती भी शुरू हुई थी और विराट इनको ठीक विराट इज अ ग्रेट प्लेयर एज अ ग्रेट एडमायर ऑफ दिस मैन आफ्टर विंग सार्कर एंड आफ्टर द ग्रेट विवियन लक्ष्मण एंड ग्रेट राहुल द्रविड़ द बॉल द वन ऑफ द ब्राइटेस्ट प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ द इंडियन टीम नो बेटर कैन बी बेटर देन हिम इन द करंट एरा नो बेटर इज बेटर देन विराट कोहली ही इज द चैंपियंस ऑफ चैंपियंस उनका बड़ा ही अफसोस था कि जेट था कि 32 गेमों के अंदर से उनको इवन उनकी 50 के अंदर 32 विन्स हुई थी लेकिन हार आपको कहीं का रीच करती मैंने देखा नबील के माफ़ी आपकी सब कॉन्टिजेंट के अंदर हारने पे आपकी माफ़ी नहीं है अच्छा तो बात हो रही थी हमारी रिजवान की जी हम 5 मिनट्स में प्रोग्राम को फोल्ड अप करेंगे ना सुबह उठ के मैच देखना है तो हमें जरा थोड़ी सी जज्बा जो है ना वो उजागर करना है आप जल्दी-जल्दी जज्बा उजागर करें अच्छा रिजवान के बारे में बात हो रही थी नबील ने की बहुत जल्दी ही फोल्ड करूंगा रिजवान ने अब 1665 रन जो है वो स्कोर कर लिए हैं ये एक कैलेंडर ईयर में मैक्सिमम स्कोरिंग रन का भी एक नया रिकॉर्ड है उन्होंने इसी रिकॉर्ड को चेस करते हुए बीच में विराट कोहली को भी तोड़ा और क्रिस गेल्स के 1665 भी तो आई थिंक विराट रिजवान इज ऑन 66 पर स्टिल प्लेइंग तो उन्होंने गेल का जो है वो रिकॉर्ड तोड़ा है और रिजवान अगर निक जिस तरह उन्होंने बात की ना कि अगर फखर और मैक्सवेल का दिन हुआ तो ऑस्ट्रेलिया की टीम या पाकिस्तान की टीम दूसरे ओपोनेंट्स को बहुत दूर ले जाएगी तो मैं आपको ये भी बता दूँ कि अगर वो दूर लेके जा सकते हैं अच्छा बड़ा एक दिलचस्प मेरे पास एक और चीज़ मेरे पास है आपसे जरूर शेयर करना चाहूँगा कि रिजवान ने अब T20 क्रिकेट में 2021 में 1666 रन जो हैं वो उसका एग्रीगेट मुकम्मल किया है अच्छा अब रिजवान ने क्रिकेट तो शुरू की हुई है 2009 से जब यूनुस खान पाकिस्तान लिफ्ट द वर्ल्ड कप फॉर पाकिस्तान इन द लॉर्ड इन द ओवल माफ कीजिएगा तो इन 12 सालों में जब उनका डेब्यू हुआ 2009 में टिल 2020 रिजवान has scored only 2029 runs 2029 runs उन्होंने स्कोर किए थे would you believe और अब जब रिजवान को पावर प्ले का मौका मिला टॉप पे आके खेलने का मौका मिला उनको चाहे वो मुल्तान सुल्तान हो या टीम पाकिस्तान हो तो अब देखिए कि जो उन्होंने लगभग 13 साल बने 2009 से 13 साल में और एक साल में उन्होंने कैलेंडर ईयर में वो उन्होंने रन का जो है वो एक अंबार लगा दिया बिल्कुल और उनका इमेंस कैरेक्टर डिटरमिनेशन टैलेंट इनका करता है हर एक मैन को राइट ऑफ कर दिया उन्होंने एक यंगस्टर्स के लिए एग्जांपल सेट किया कि इफ यू वर्क हार्ड द बेस्ट वे टू आंसर क्रिटिक्स इज टू परफॉर्म और यही स्टेटमेंट हेडन की भी थी उसकी कवरेज भी आई है कि उसने कहा रिजवान जैसा हम्बल और वर्ल्ड क्लास बैट्समैन वो उसकी होप भी है कल के मैच के लिए बड़ा रिलीजियस और बड़ा फेथ पे बिलीव करने वाला आदमी बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तान बेस्ट ऑफ लक और प्रोग्राम क्लोज करने से पहले आपको ये भी बताएंगे कि कल एक बैटल होने जा रही है पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की नहीं गलत समझे आप लैंगर वर्सेस हेडन दो बड़ी बेहतरीन दोस्तियां दोनों ओपनर हेडन लैंगर ट्रॉफी और घंटे के लिए एक दूसरे की दोस्तियां की खत्म हो गई हेडन ने कहा कि जस्टिन लैंगर ने बताया कि हेडन और उनके माँ बहन जो दोस्ती है वो 3 घंटे के लिए ख़त्म हो जाएगी और वो प्रोफेशनल बिजनेस के ऊपर होंगे और 3 घंटे के बाद वो एक दूसरे को हैंड शेक करेंगे और उससे पहले वो उनको देखना भी नहीं चाहते मैथ्यू हेडन का ये कहना था और मैथ्यू हेडन इज़ अ स्ट्रॉन्ग करेक्टर मैन वसीम अकरम बताया करते थे शेब भी वसीम कहते थे कि जब हम स्लेजिंग करते थे जाके तो उनको डर लगता था लैंगर के पास क्योंकि लैंगर जो है वो जूडो कराटे के भी माहिर है और हेडन के पास आने से उनकी बिल्ट ऐसी थी तो वो उनको कहते थे यस व्हाट्सअप वो बैकफुट में होता था बॉलर लेकिन यही स्लेजिंग जो है उनको उनके करेक्टर को स्ट्रांग बनाती है दोनों एक बड़े स्ट्रांग करेक्टर थे इंडियन के ऑस्ट्रेलियन टीम के अंदर और ऑस्ट्रेलियन टीम के अंदर इन्होंने 99 के वर्ल्ड कप के बाद जब पाकिस्तान टीम दौरा करने गई थी तो वहाँ पर पाकिस्तान टीम को वन साइडेड डिफीट
जो 3 मैचेस में हुई थी उसमें लैंगर और हिडन का बहुत बड़ा रोल था। दोनों टीमों के मबेन 3 गेम्स हो चुके हैं अभी तक वर्ल्ड कप के अंदर, ओवरऑल 3-3 से मुकाबला जो है बराबर है। जो टीम कल का मैच जीतेगी वो सबकत ले जाएगी। जीते पाकिस्तान ने भी 3 है, जीते ऑस्ट्रेलिया ने भी 3 है, बट ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पाकिस्तान को नॉकआउट गेम के अंदर भी शिकस्त दे रखी है जो पाकिस्तान ने नहीं दी कभी भी। लास्ट चीज प्रोग्राम फोल्ड करने से पहले, पाकिस्तान वर्सेज ऑस्ट्रेलिया तीसरा लास्ट आ रहा है, आखिरी असली वाला लास्ट। अब ये तो वर्ल्ड कप की बात थी, लेकिन अगर अब मैं ये बात करूं कि ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के मामले में ओवरऑल T20 के क्या हालात हैं, तो उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ मैचेस 23 मैच प्ले किए गए इसमें, और उसमें पाकिस्तान एज वन बाय पाकिस्तान 13 और मैचेस वन बाय ऑस्ट्रेलिया आर 9 गेम्स पाकिस्तान को वहां पर भी ऑस्ट्रेलिया के ऊपर एक साइकोलॉजिकल बढ़तरी होगी। और इसके अलावा एशिया की अगर हम बात करते हैं, एशिया के अंदर तो 11 मैच हुए हैं जिसमें पाकिस्तान ने 8 मैचों में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी है, और एशियन कंडीशंस के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को सिर्फ 3 ही मरतबा शिकस्त दी है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान को शिकस्त देने में कभी भी कामयाब नहीं हुआ। और इसके अलावा पाकिस्तान के खिलाफ वो पहली दफ़ा एशियन कंडीशंस में नॉकआउट गेम खेलेंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, जो एक्स फैक्टर हो सकता है कल, कि नॉकआउट के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने आज तक पाकिस्तान को एशिया के अंदर शिकस्त नहीं दी। और मैचेस प्लेड जो न्यूट्रल वेन्यू पे हुए हैं वो टोटल 19 गेम्स हुए हैं जिसमें से 13 मरतबा पाकिस्तान जीता है। ये मत समझेगा कि पाकिस्तान घर में जीता है, पाकिस्तान ने वहां पर 13 मरतबा ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी है, जबकि ऑस्ट्रेलिया की टीम सिर्फ 6 मैच जीतने में कामयाब हुई है। एंड दैट्स इट, थैंक यू सो मच डॉक्टर दान, आपका बहुत शुक्रिया। जी जी बिल्कुल, डॉक्टर दान ने बहुत जबरदस्त इन्फॉर्मेशन दी जो आधी से ज्यादा मेरे सर के ऊपर से गुजर गई। लेकिन 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 जाने से पहले सब ने पहले तो एक नारा जबरदस्त किस्म का लगाना है, तो गो ग्रीन का हम नारा लगाएंगे। सो 3-2-1 गो ग्रीन गो, गो गो ग्रीन गो, पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जबरदस्त। सो इसी नारे के साथ मेरे ख्याल से आपको पूरी रात नींद नहीं आने वाली, वैसे मुझे भी नहीं आने वाली, लेकिन सोना तो पड़ेगा और सोना बनता है। सोएंगे नहीं तो फ्रेश हो के आप सुबह कैसे इतने टेंस, जो टेंस वो क्या क्या कहते हैं आप एक वर्ड यूज करते हो, कौन सी गेम होती है, नर्व्स की गेम ऑफ डेथ, नहीं डेथ भी नहीं, लाइक गेम ऑफ डेथ, व्हाटएवर, एनीवेज, नर्व्स, एग्जैक्टली, या या। सो गेम ऑफ नर्व्स कल होने जा रही है और होपफुली के हम वो जीतें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सो विश यू ऑल द बेस्ट, विश ऑल द बेस्ट टू पाकिस्तान टीम, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, सी यू देन टुमारो, इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा और फिर हम सैटरडे नाइट को फिर एक धमाकेदार प्रोग्राम लेकर आएंगे और आपको बताएंगे कि हम पाकिस्तान की जीत, सेमीफाइनल की जीत का मज़ा करेंगे और हम पाकिस्तान को विश करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह संडे के फाइनल के लिए भी, होपफुली होप फॉर द बेस्ट फॉर टुमारो। सो सी यू देन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज, बाय बाय।